और मार्क्स गेन करते हैं तो चलिए आज का पैरा जो मैं आप लोगों को बताने वाला वाले पैरा स्लाइड सकते हैं सेंटेंस टिप्स एंड कुछ स्टेप्स होंगे ये सारे सारे आपके पास में बहुत एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसमें पैरा पूछे जाते हैं चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका आसान बनाते हैं और आराम से पैरा से मार्क्स हम लोग गेन कर सकते हैं तो चलिए पैरा स्लाइड हम लगाने जा रहे हैं कि व्हाट इज पैरा जम्बल यहाँ पे आप देख रहे हो पैराजंबल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो भाई बेसिक लोग Uh, सबसे ज्यादा मैं उन सारे बिहार के स्टूडेंट्स और यूपी और झारखंड जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका इंग्लिश में वॉट लगी रहती है भाई सच मानो में इंग्लिश हमारे पास में कभी नहीं हम अपने अकेडमिक को जानते हैं कि कहाँ तक इंग्लिश अगर हम बात करते हैं सीबीएससी आईसीएससी बोर्ड की भी बिहार झारखंड यू, और यूपी में तो भाई कैसा होता है हम बताने वाले नहीं आप खुद फील कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि हमको हर जगह इंग्लिश देखने को मिल रहा है चाहे वो बैंकिंग हो या एस हो या गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जामिनेशन हो या प्राइवेट सेक्टर के एग्जामिनेशन हर जगह आपको कॉम्पिटिशन में इंग्लिश है भाई मेरे घबराओ मत यार घबराओ मत बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे जो आपको इंग्लिश को आसान करने की कोशिश कर रहे हैं उनको फॉलो करो थोड़ा सा देखो उनके सारे चैनल्स में मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं सारे फैकल्टी की बात कर रहा हूँ तो देखो हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं इसीलिए ताकि आप आसान आसानी से सारी चीजों को सीख पाओ घर बैठे सीख पाओ और uh, मार्क्स भी गिन कर सकोगे, ठीक तो है तो सबसे पहले लो। लो लो, मतलब हम लोग मैच कराते हैं तो हमारे पास में एक पिक्चर आता है और वो पिक्चर जिस चीज का होता है वो समझ जाते हैं कॉम्प्रीहेंड कर लेते हैं ठीक है थीके? समझ में आ जाती है और एक होता है जिक्सो पजल ये भी आप देख रहे हो कि पजल मतलब कि इसको सेट किया तो आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाता है लाइक वाइज यहाँ पर कुछ जिक्सो पजल की ही तरह सेंटेंसेस होंगे टुकड़ों में बटे हुए अब इसको सही तरीके से जोड़ना होगा जिससे कि एक पिक्चर एक पैराग्राफ एक सेंस बाहर आ सके इसी को हम लोग बोलते हैं पैरा जम्बल यही है आपका इंट्रोडक्शन आगे बढ़ते हैं तो देखो टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से मैं कुछ आप लोगों को पैरा जम्बल बताने वाला हूं ताकि आप समझ सको देखो मैं आपको एक

फास्ट होगा एकदम रीडिंग आपकी हैबिट है और जो आप समझ पा रहे हो बहुत ही है। आपने और फिर डी भी पढ़ते हो मतलब कि एक ही सेंटेंस को आप तीन बार चार बार मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ते हो तो क्या है रीड रीडिंग रीड रीडिंग इज दिन ऑफ एज फार एज द कैट इज कंसर्न राइट तो जितने भी आपके मैनेजमेंट इंट्रेंस एग्जामेशन रीडिंग मत करो उससे बचो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप वन शॉट में अब ऐसा भी तो नहीं है कि एक बार पढ़ा तो समझ गए तो ये कब हो सकता है देखो बंदो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं ये कब होगा जब आप एक चीज जान जाओगे यहाँ पे कुछ टिप्स एंड स्टेप्स जो है इसको अगर आप लोग जान जाओगे तो बिल्कुल वन शॉट में आपका होने वाला है कैसे होने वाला है ये देख लो मैं अगर आपको बात करूं कि यहाँ पे चार सेंटेंसेस से ये बताओ कि एक सेंटेंसेस क्या है फर्स्ट है तो तीन क्या है फर्स्ट नहीं है ये तीन सेंटेंसेस फर्स्ट नहीं है सोचो कि आपके एक बाउल में चार तरीके के बॉल रखे हुए हैं एक है वाइट और तीन है रेड ठीक है तो प्रोबेबिलिटी किसकी है अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा किसकी है तो थ्री बाई फोर प्रोबेबिलिटी है आपके रेड की वन बाई फोर किसकी है तो व्हाइट की है तो सोचो कि आप अगर चारों को पढ़ रहे हो तो सबसे ज्यादा आपसे इंटरेक्ट कौन हो रहा है कौन से सेंटेंस हो रहे हैं जो एक नहीं है तो आओ ना भाई इसी काम को करते हैं ये तो जान लो ना कि एक नहीं होने वाला कौन कौन से सेंटेंस अगर ये जान लोगे तो फिर तो आपको फर्स्ट मिल जाएगा भाई आराम से मिल जाएगा वो चीख चीख के पुकार देगा कि मैं फर्स्ट नहीं हूं कैसे भाई तो मैं बोलता हूँ कि ये वाला हमने जान लिया कि हाँ ये वाला फर्स्ट नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है ये स्टेप्स बताए टिप्स बताएंगे यहाँ पे सेम टिप्स जो है ये बताएंगे ये भी सी भी नहीं हो सकता है डी भी नहीं हो सकता है तो ऑटोमेटिक आपका फर्स्ट फर्स्ट होगा क्यों क्योंकि आपको प्रॉब्लम ढूंढने में ही लगता है और हो सकता है कि दो से तीन आपको दिख रहे हो या चारों को चारों दिख रहे हो कि ये भी फर्स्ट हो सकता है क्यों क्योंकि आप इसके टिप्स नहीं जानते हो कि किस टिप्स के बेसिस पे हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं और, और एलिमिनेशन के बाद आपके पास में बढ़ता जाएगा मतलब वन की प्रोबेबिलिटी आने की बढ़ती जाएगी सपोज कि हमने इसको क्रॉस कर दिया वन को ए को मैंने क्रॉस कर दिया तो अब तीन में से कोई एक हो सकता है आपको सी को भी क्रॉस कर दिया तो अब वन की चांसेस बहुत बढ़ रही है यहां भाई या तो बी होगा या डी होगा और अगर आपने डी को भी क्रॉस कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ तो आपके पास में ऑटोमेटिक वन आ जाएगा तो ये सबसे पहले आप जान लो कि फर्स्ट क्या है क्योंकि अगर आपको ओपनर सेंटेंस मिल जाता है ना तो फिर सिक्वेंस में मिल जाएगा भाई सिक्वेंस क्या होगा इसमें से कोई एक पेयर होगा और इसका कोई पेयर होगा मतलब सपोज कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं ए बी सी टी ये मैंने लिख दिया ठीक है और इसमें से आपने इसको क्रॉस किया सी क्रॉस किया सी क्रॉस भाई कैसे क्रॉस करोगे मैं बता दे रहा हूं कि टिप्स के बेसिस पे हम लोग क्रॉस करेंगे आ, फर्स्ट आपको मिल गया ये ठीक है अब आपने इस सब को क्रॉस कर दिया अब ये बोल रहा है कि भाई मैं तो हिट करूंगा इसको ठीक है मैं हिट करूंगा इसको और ये फर्स्ट बोल रहा है कि भाई मैं इसके पास पेयर बनाऊंगा तो आपको हो गया तो कि वन के बाद आएगा डी मतलब ये वन है बी है फर्स्ट और डी है अब ये ए बोल रहा है कि मैं सी को हिट करूंगा तो ए यहाँ आएगा और सी आएगा ये आपको पेयरिंग से होगा अब पेयरिंग कैसे होगा ऑन द बेसिस ऑफ टिप्स ये भी होगा तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं देखिए तो यहां पे मैं आपको दिखाने वाला हूं कि यहां पर आपको मिलेंगे तीन स्टेप्स और सेवन टिप्स क्या-क्या स्टेप्स है भाई ये देख लो तो पहला स्टेप है एलिमिनेशन पहला स्टेप है एलिमिनेशन दूसरा है पेयरिंग और तीसरा है फाइंड द सेकंड मतलब आपको क्या करना है ए बी सी एंड डी यहाँ पर चार सेंटेंसेस हैं सपोज तो इसमें सबसे पहले आपको एलिमिनेट करना कि भाई ये 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 फर्स्ट नहीं हो सकता है उसके बाद आपको जैसे कि मैंने बताया कि वन ढूंढने के बाद आपको पेयरिंग करनी है पेयरिंग जैसे ही ढूंढोगे आप बोलोगे कि भाई सेकंड कौन है मतलब कि आपको आराम से मिल जाएगा सेकंड वाले स्टेप तक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यू कैन ईजली Uh, pair all the sentences on the basis of these two steps elimination and pairing. Now, what are the tips? <clears throat> so, tips are look for the transition words. First of all, I just given this one right, then after short form and full form, then after a general and a specific, then after idea and example, then after pronounce, course, uh, co cause and effects, and understand the chronology. So, I just given the seven tips, and on the basis of seven tips, you can easily draw the picture. So, now I'm just going to make you understand, guys. सो देखिए वन बाय वन करके गए हम लोग समझते हैं एलिमिनेशन आप समझ गए कि एलिमिनेशन क्या होता है तो एलिमिनेशन भाई एलिमिनेट करना होता है कैसे एलिमिनेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेवन टिप्स और इसके बाद पेयरिंग करना होता है कि हाँ भाई इसके बाद ये जाएगा इसको ये हिट कर रहा है तो कैसे करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेवन टिप्स ठीक है फाइन द सेकंड सेकंड कैसे करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेवन टिप्स तो ये सेवन टिप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है आइए वन बाई वन करके समझने की कोशिश करते हैं मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी दिखाऊंगा और सारी चीज को बताऊंगा कि कैसे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम लोग इसी से बना सकते हैं चलिए तो सबसे पहला क्या है हमारे पास में लोक फॉर द ट्रांजिशन वर्ड तो हम लोग ट्रांजिशन वर्ड्स को देखेंगे ट्रांजिशन वर्ड्स कैसे वर्ड्स होते हैं जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का काम करते हैं ideal. तो ये क्या क्या है ये इतने सारे हैं भाई ऑल्सो अगेन और एज एज वेल फर्दर मोर इन एडिशन टू लाइक वाइज ये सारे चीजें हैं ठीक है तो थोड़ा सा हम इसको सेग्रीगेट करते हैं अलग अलग करते हैं ताकि आपको और क्लियर समझ जाए भाई ये ट्रांजिशन वर्ड क्या हो गया भाई हमारे दोस्तों क्या हो गया बिहार यूपी झारखंड भाई समझ लो हिंदी में भी बात करेंगे इंग्लिश में भी सब सब बाइलिंग वर्ड ठीक है ब्लेंडिंग होगा दोनों लैंग्वेज का तो क्या होगा कि ऑल्सो अगेन एज वेल एज बिसाइड फॉर ये सारे के सारे क्या हैं ट्रांसलेशन वर्ड है ऐसे वर्ड जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करते हैं जोड़ते हैं लिंक करते हैं ठीक है अब इसमें क्या क्या और हो सकता है मेरे दोस्तों तो इसको हम थोड़ा सा सेग्रीगेट कर रहे हैं इस चीज को देख लो सेग्रीगेशन में पहला है कि भाई सिग, सिंग, हाँ यहाँ पे सिग्नल है इंडिकेटिंग वर्ड लिस्ट तो पहला क्या है तो सिमिलैरिटी वाले जितने भी वर्ड्स हैं ये क्या होते हैं सर सिमिलैरिटी वाले वर्ड्स क्या होते हैं भाई वैसे आपके कनेक्टर होंगे जो दो मतलब यहां पर एक सेंटेंस होगा और यहां पर एक सेंटेंस होगा इसके बीच में आएंगे इसी को बोलते हैं सिमिलैरिटी वाले कनेक्टर सिमिलैरिटी वाले कनेक्टर तो क्या सिमिलैरिटी में होगा भाई बोला जाएगा कि देखो इधर अगर पॉजिटिव बातें लिखी है तो इधर भी पॉजिटिव होगा इधर अगर नेगेटिव बातें हैं तो इधर भी नेगेटिव होंगे ये क्या है मोर एडिशन टू आल्सो एंड टू एज वेल बिसाइड्स इंडीड लाइकवाइज मोरओवर तो ऐसे आपके कनेक्टर जो सिमिलरिटी वाले कनेक्टर होंगे वो दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव को जोड़ने का काम करेंगे मतलब क्या कि इसमें बहुत सारे क्लूज हैं जिसके बेसिस पे आप इजिली पेयरिंग और एलिमिनेशन कर सकते हैं सबसे पहला चीज क्या है कि जितने भी आपके कनेक्टर्स अभी आपने ट्रांजिटिव ट्रांजिशन वर्ड को देखा मतलब यहां पे मैं लिख ट्रांजिटिव वर्ड तो जो भी ट्रांजिटिव वर्ड है क्या उससे स्टार्ट हुए हुए सेंटेंस फर्स्ट हो सकते हैं जैसे कि मैंने ए बी सी एंड डी और यहां पे लिखा है एज वेल एज वेल या इसमें लिखा है एंड या इसमें लिखा है बिसाइड्स राइट right. तो क्या इससे फर्स्ट हो सकते हैं नो नॉट एट ऑल आप इजीली इसको एलिमिनेट कर दोगे बोलोगे कि इससे स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि ये कनेक्टर है ये दो सेंटेंस को जोड़ता है मतलब कि इसके बाद में एक सेंटेंस है और इससे पहले भी एक सेंटेंस होना चाहिए इसलिए ये फर्स्ट नहीं हो सकता है तो इजली विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर्स यू कैन एलिमिनेट द सेंटेंसेज एंड जस्ट सेग्रीगेटेड all the uh, connectors into three part the first part is that similarity as a uh, connector jo similarity show karte hain and i just given these examples right i hope you understand till now to yahan tak aapne samajh liya hai aage hum badhte hain dusra aapka hai signal indicating words list में contrast वाले भैया ये contrast वाले हैं तो ये क्या करते हैं कि दोनों side में ये भी connector है यहां पर कनेक्टर आएगा और दोनों साइड में सेंटेंसेस हो गए एक तरफ पॉजिटिव तो एक तरफ तरफ नेगेटिव एक नेगेटिव तो दूसरी तरफ पॉजिटिव मतलब कॉन्ट्रास्ट शो करेगा ये सारे के सारे हैं एलबेटर ये सारे ऑन द कंट्री इवन दो ऑन द अदर हैंड दीज आर दिच कनेक्ट टू से टू ओपिनियंस टू सेंटेंसेस बट देर वुड बी द डिफरेंट यू कैन से वेटेज कभी पॉजिटिव नेगेटिव इस साइड और नेगेटिव एंड पॉजिटिव तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना होगा इफ आई सेवर तो हाउ एवर का मतलब हालांकि मतलब स्टॉकिंग पॉजिटिव डिग्री ऑफ समिंग इस साइड में राइट हैंड साइड में आपको नेगेटिव ही हमको उसकी डिग्री दिखानी पड़ेगी हाउ एवर इफ आई एम से That uh, Rahul is the best employee uh, of this year. However, he doesn't have the ability to do something in a right manner. So if I'm just saying in that way Rahul ne jita, hai, lekin usko kuch bhi akal hai? show So these are the examples which would be joined to different sentences. In between uh, the sentences, it would be you know. Uh, आई I मीन mean, इसको हम लोग रखेंगे एंड देन आफ्टर हमें देखना है कि किस तरफ कौन सी डिग्री वाले सेंटेंसेस दिए गए हैं अगर पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव ये आपको पेयरिंग में बहुत काम आता है बहुत ज्यादा ही काम आता है अगर हाउ एवर दिया हुआ है मैं आपको शो करूंगा हाउ एवर अगर कुछ भी दिया हुआ है आपको इन uh, ऑफ दिया है ये दिया है बट दिया है वाइल्ड दिया है इसमें आप बट uh, भी देख रहे हो बट भी दिया है तो आपको इसके बाद अगर कोई पॉजिटिव चीजें दी गई हैं तो इसका कनेक्टर आपको नेगेटिव से ही होगा मतलब हाउ एवर के पहले कोई नेगेटिव होगा आराम से देखोगे समझ में आएगा कि अच्छा ये नेगेटिव सेंटेंसेस है ये इससे कनेक्ट कर रहा है इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, हैं हैं आई जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड नेक्स्ट चलते हम लोग सिग्नल इंडिकेटिंग वर्ड लिस्ट में तीसरा है हमारे पास में कोज एंड इफेक्ट ठीक है तो कोज एंड इफेक्ट वाले भी हैं भाई एक तरफ कारण एंड दूसरा परिणाम ये हमारा एक एक आपको ट्रांजिशन इसमें ट्रा, वर्ड में भी दिया एक हमारे पास में इसी के टिप्स भी है तो इसको भी हम लोग देखेंगे तो ये सारे वर्ड जो हमारे पास में है माइटियर ये सारे के सारे क्या है ये ट्रांजिशन वर्ड्स uh, की तरह वर्ड्स ही है और लेकिन ये बताते हैं कॉज एंड इफेक्ट ठीक है अकॉर्डिंगली इन ऑर्डर टू बिकेज सो दैट कॉन्सिक्वेंटली ये सारे सारे क्या बताएंगे अगर हमने यहाँ पे लिखा है बिकेज uh, बिकेज

I hope you are just getting this once, and definitely you will do uh, the jumble in right manner. Now I'm just proceeding further, and I'll just see a question I just you know given over here. CAT question slot number three 2021 20, and I'm just going to indicate that how you would be able to solve this parajumble with the help of this, 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 this only. I mean tip. So now I'm just try to grab your attentions towards. Uh, listen, sorry business finds automation such as robotic employees a big asset in terms of productivity and efficiency I don't know I mean all the nouns has been uh, have been given over there so it may be or may not be I I don't want to be stuck over there but now second wala dekhte second wala mein, but oh my God but yeah the transition words a transition may contrast so in recent year means either it would be past or future

दिया हुआ है और बट से स्टार्ट किया है इन रिसेंट ईयर इज शोइंग द कॉन्ट्रास्ट ओवर देयर सो इसके बेसिस पे हमारा क्या हुआ प्रोबेबिलिटी एक आने की कम से कम एक टिप्स ने तो एक चीजों को हटा दिया बचे तीन देखते हैं आगे और भी बहुत सारे टिप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द टिप्स वी विल डेफिनेटली सॉल्व दिस वंस नाउ चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं इसको और हम लोग कैसे बना सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास में Tip the tip number two, look for the short form and full form. Dear, this is most important as far as the paragraph of all the examinations are concerned. So now if I just say if you are just looking for the short form and full forms, are given in the same paragraph. For example, I'm just putting. मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे ओ एनजीसी रिसोर्सेस राइट द ओ एन जी सी दिस इज नथिंग बट द शॉर्ट फॉर्म नाउ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन अगर किसी भी पैराग्राफ में शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म दिया हुआ है बंदे जान लो शॉर्ट फॉर्म वाला फर्स्ट नहीं होगा नहीं होगा तो नहीं होगा डैम शोड ठीक है तो शॉर्ट फॉर्म वाला फर्स्ट नहीं होगा फुल फॉर्म वाला क्या होगा सर आई डोंट नो फर्स्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ठीक है हमें फुल फॉर्म के बारे में नहीं जानकारी लेनी है हमें बता, पता चलना चाहिए कि शॉर्ट फॉर्म वाला फास्ट नहीं होगा तो नहीं होगा आओ इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग आ, बना सकते हैं तो इट इज ओवर हम पढ़ हैं इसको वी हैव रिज्यूम ड्यूरिंग इन अनदर एरिया शॉर्ट फॉर्म राइट Of the 11 wells, five would be taken up in the partnership with Oil India Limited. Okay, fine. After a gap of eight years, State-owned Oil and Natural Gas Corporation once again the full form is given over there. That's why this short form valla sentence will not be the first. Ye wala first hoga. Now OIL, oh my God, o ye OIL. oil li capital hai. this would be also the short form of something. To पता Oil India Limited short form hai, Then ye bhi राइट right, बचे दो तो आप देख सकते हो ऑफ द इलेवन बेल्स ये तो आप देख रहे होगे कि अच्छा मतलब हो गुड बी फर्स्ट पॉइंट जहां ओपनर आता है भाई मजा आ जाता है कि भैया मेरा तो सही होने वाला है और अगर गलती से कैट ने आपको ऑप्शन दे दिया माय गॉड मतलब सब लोग फाड़ के आओगे फिर फिर आपको टीटा बेस्ट में इतने मार्क्स आने वाले हैं क्योंकि एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ऊपर से आप लोगों का इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बन रहा है तो उसके बाद तो डैम डैमी है आप तो उसको बिल्कुल तो शॉर्ट फॉर्म फर्स्ट नहीं होंगे आई होप यू ऑल आर गेटिंग चलो नेक्स्ट आके देखते हैं भैया कोई ऐसा कैट में क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं अरे स्लॉट नंबर थ्री में ट्वेंटी ट्वेंटी में आ चुके हैं क्या है भाई क्या है तो यहाँ पे दिया हुआ है सी एन एस और यहाँ पे दिया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम सो विच वुड नॉट बी द फर्स्ट सो फर्स्ट कैन बी इजिली एलिमिनेटेड राइट आई होप यू आर जस्ट गेटिंग पता नहीं ये क्या होगा क्या नहीं होगा इसको बाद में देखेंगे अभी ठीक है वैसे भी आप देख सकते हो फ्रॉम स्ट्रक्चर स्टैंड पॉइंट ये सब लिखा हुआ है आगे पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं पहला वाला भी कुछ अभी तो पहला वाला नहीं है भाई कहीं भी स्टार्टिंग वैसा नहीं है कि बट ये इससे किस भी किया हो ठीक है तो बाद में देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है नाउ आगे बढ़ते हैं गुरु चलिए थर्ड टिप्स है Third tip से हमारे पास में जनरल एंड स्पेसिफिक तो जनरल एंड स्पेसिफिक को बताने के लिए मुझे भी थोड़ा सा जनरल और स्पेसिफिक बनना पड़ेगा और मैं आपको समझा दूं कि देखो ये कुछ बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है ये समझ लो कि जैसे कि आई जिस रिटेन ऑटो मोबाइल ठीक है और इसके रिस्पेक्ट में कार जरा बताओ कौन सा जनरल कौन सा स्पेसिफिक देखो बाबू लोग सब समझ लो जितने भी लोग है जनरल uh, का मतलब क्या होता है जनरल का मतलब होता है घर का सबसे बड़ा वाला व्यक्ति ठीक है दादाजी ये जनरल हो गए इसी के अंतर्गत सारे जितने भी उनके बेटा पोता सब ये सब सब रहते हैं ठीक है ये हो गए स्पेसिफिक ठीक है, है अब मान लो कि ये दादाजी हैं अब दादाजी के जो बेटा हुए एक बेटा हुए और एक बेटी हुई ठीक है बेटी के थोड़ा बाल जो है ना हम बड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए ठीक है अब ये क्या हो गया कि ये दादाजी इन दोनों के रिस्पेक्ट में क्या है ये है आपको जनरल है ना यहाँ भी एक पोता को भी इनके रख देते हैं तो देखो यहाँ ये हो गए जनरल ये हो गए, गए जनरल और ये हो गए स्पेसिफिक जरा आप जान सकते हो कि दादाजी जनरल है और उनका बेटा स्पेसिफिक लेकिन यही बेटा जनरल भी है क्योंकि इसके नीचे भी कोई है और ये है स्पेसिफिक ठीक है तो आप Uh, देख सकते हो कि जनरल कौन जर्णल, तो ऑटोमोबाइल के अंतर्गत सारे कार ट्रक बस सब आ जाते हैं, है? लेकिन कार, अगर तो स्पेसिफिक हो गया ठीक है क्योंकि कार के अंतर्गत बहुत सारे हिमड आ जाएंगे मोर्सीज आ जाएंगे अब मैंने बोला कि मेरे पास एक कार है तो एक जनरल व्यू है एक वेग है कि कौन सी कार तो मेरे पास बीएमडब्ल्यू कौन सी बीएमडब्ल्यू मेरे पास व्हाइट कौन सी व्हाइट तो ये सारे स्पेसिफाइड कर रहे हैं भाई तो समझ लो कि कुछ ऐसे ही आपके एग्जाम्पल्स में कैट के क्वेश्चन में दिए रहते हैं कुछ वर्ड जनरल ये कैट में ही नहीं आपको पैसेज में भी रहेंगे जनरल पैसेज का भी जो मूवमेंट uh, होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक या स्पेसिफिक टू जनरल होता है तो आइए थोड़ा सा इसको हम लोग और इलेबोरेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं डियर तो जनरल क्या है तो जैसे कि मैंने लिख दिया था अभी कि वर्ड के बेसिस पे कि ऑटोमोबिल और कार जैसे ये वर्ड्स होंगे तो इसके रिस्पेक्ट में कौन स्पेसिफिक कौन जनरल इजिली आप समझ सकते हो लेकिन कुछ ऐसे चीज भी हैं जो किसी चीजों को स्पेसिफिक करते हैं जैसे कि मॉडिफायर्स जिसको हम लोग बोलते हैं तो कोई भी नाउन के पहले आपको एजेक्टिव अगर लगा हुआ है और एजेक्टिव में भी बहुत सारे एजेक्टिव होते हैं जैसे कि दिस दिस दैट दैट दीज दीज ये ये सारे चीज लगे होते हैं this, that, these, तो ये सब भी इस चीजों को स्पेसिफाइड करते हैं स्पेसिफिक बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलता हूं इकॉनमी तो हो सकती है लेकिन आर इकॉनमी के टर्म में यह एक स्पेसिफिक है फॉर एग्जांपल इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस एग्जांपल्स ठीक है तो करना क्या है सर जनरल वाला पता नहीं क्या होगा लेकिन स्पेसिफिक वाला फर्स्ट नहीं हो सकता है फर्स्ट नहीं हो सकता है स्पेसिफिक वाला फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पढ़ता हूं इट ये प्रोनाउन है क्रॉस इट ये भी प्रोनाउन है क्रॉस लैंग्वेज ये एक मतलब यूज किया हुआ जेन लैंग्वेज इज अ रोड मैप ऑफ कल्चर अब फिर मैंने बोला स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज तो देखो ये लैंग्वेज लैंग्वेज दोनों जगह था लेकिन इस लैंग्वेज के पहले एक इंग्लिश वर्ड आके इसको क्वालिफाई कर रहा है और इस, इसको स्पेसिफाइड कर रहा है तो फिर जो स्पेसिफाइड वाला होगा वो फर्स्ट नहीं होगा अचानक से मिल जाएगा आपको कि which be the first one. Right guys? तो एक तो हो गया हमने बोला कि एक हो गया वर्ड के बेसिस और दूसरा हो गया कि किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव या कोई भी वर्ड आकर के उसको क्वालिफाई स्पेसिफाई करे तो वो भी आपका स्पेसिफिक होगा तो मतलब कि कार वाला कार फर्स्ट इसके टर्म में नहीं हो सकता है सिर्फ नाउन लिखा हुआ है एक जगह और उसी सेम नाउन के पहले कुछ और दूसरे सेंटेंस में दिस दैट दिस दो या माय या, या योर कोई भी पॉजिटिव एजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव कोई भी एजेक्टिव लगा हुआ है मतलब कि ये भी स्पेसिफाइड कर रहा है ये भी फर्स्ट नहीं हो सकते हैं दूसरे के बाद तीसरा हमारे पास है आर्टिकल का अप्रोच ये भी जान लो कि आर्टिकल कैन बी डिवाइडेड एक तो होता है आर्टिकल दी दूसरा होता है ए और एन ये ए एन जो है किसी भी सेंटेंसेस में अगर आता है तो ये इंट्रोड्यूस करता है और अगर उसी सेंटेंड के, के पहले दा लग जाए तो वो उसका रिपीटेशन हो रहा है फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ये स्टडे आई मेट ये एक नाउन है और इससे पहले हमने क्या लगाया आ और अगर इसी सेम नाउन की रिपीटेशन है और यहाँ पे दी रखी हुई है तो मतलब क्या है कि जब भी हम रिपीट करेंगे सेम नाउन को आर्टिकल दी लगाएंगे तो ये जान लो के बहुत सारे ऐसे आपको सेंटेंसेस मिलेंगे जहां पर किसी नाउन के पहले ए लगा है और उसी नाउन के पहले दी लगा है तो आप दी वाले को क्रॉस कर देना मतलब वो भी स्पेसिफिक है, है तो यहाँ पे तीन तीन क्लूज है हमारे पास में ये जानने के लिए कि क्या नहीं हो सकता है हमारे पास तो अगर आपको पहले तो वर्ल्ड के बेसिस पे जनरल अनस्पेसिफिक होगा कहीं भी लिखा हुआ होगा वर्ल्ड के बारे में वर्ल्ड और कहीं पे इंडिया के बारे में तो आप देख लेना कि हमारे पास में क्या स्पेसिफिक हो रहा है वर्ल्ड एक जनरल है इंडिया स्पेसिफिक है इंडिया बिहार तो अब हम बिहार या दिल्ली कुछ भी आप बात कर रहे हो स्टेट के बारे में तो उसके रिस्पेक्ट में उसके अंतर्गत आता है सुना so ये तो हो गया वर्ड के बेसिस पे लेकिन अगर हमारे पास में बिहारी है लिखा हुआ और फिर हम बोल रहे हैं कि तो पीपल ऑफ बिहार पीपल ऑफ बिहार ऐसे कर दिया मैंने तो बिहार एक जनरल टर्म है और पीपल ऑफ़ बिहार इसके रिस्पेक्ट में एक स्पेसिफिक है अगर मैं बोल रहा हूँ इकोनॉमी uh, के बारे में और फिर में, मैं बोल रहा हूं कुछ भी मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इकोनॉमी तो ये एक जनरल टर्म है इकोनॉमी मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इकोनॉमी यहाँ पे आपको स्पेसिफिक टर्म है और तीसरा पॉइंट क्या है आर्टिकल के बेसिस पे अगर आर्टिकल ए उसी नाउन के पहले लगा है और वही सेम नाउन के आग, कहीं पे भी आपको आर्टिकल डी लगाए तो डी वाला आपका फर्स्ट बिल्कुल भी नहीं होगा राइट right, गाइस तो चलिए ये भी आप देख लिया और इस चीजों को आपने सीखा भी यहाँ पे कि लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में कौन सा स्पेसिफिक है एंड यू कैन जस्ट इजिली एलिमिनेट दैट वन नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं देखते हैं कोई क्वेश्चन इससे है कि नहीं cat में। तो जनरल स्पेसिफिक के टर्म यहाँ पे cat में स्लॉट नंबर थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी वन में आया हुआ है भाई यहाँ पे देख लेते हैं कैसे है और कैसे बना है जैसे कि हम लोग बात करते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ आर्टिफिक टू ऑरिजिनल कल्चर लीगल एज मेनी वेस्टर्न म्यूजियम्स आर लीगली प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिस्पोजिंग ऑफ देयर कलेक्शन सो वेस्टर्न म्यूजियम्स है जो दिस इज इन रिस्पॉन्स टू कंट्रीज लाइक नाइजीरिया तो अब नाइजीरिया एक उसके वेस्टर्न और वेस्टर्न पूरा म्यूजियम उसमें नाइजीरिया एक वर्ड दिया हुआ है यूरोपियन म्यूजियम वेस्टर्न से कम तो ये भी आपका स्पेसिफिक हो गया यूरोप ये भी स्पेसिफिक है और ये तो कनेक्टर्स है भाई हमने आपको दिखा दिया था लीगल हडल नॉट विथ स्टैंडिंग ये भी आपका क्रॉस हो जाएगा तो यू कैन जस्ट इजिली एलिमिनेट दैट वन भाई क्या हुआ समझ में आ रहा है सभी लोगों को समझ में आ रहा है चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन यहाँ पर आगे हम बनाएंगे इस चीजों को कि किस तरीके से और भी विद द हेल्प ऑफ देखो ना कनेक्टर्स जो पढ़ाया था इसके बेसिस पे भी आपने इसको एलिमिनेट कर लिया दिस जो आगे अभी प्रोनाउंस में आएंगे उसके बेसिस पे भी आपने इसको एलिमिनेट कर दिया यूरोप यूरोप वेस्टर्न म्यूजियम नाइजीरिया दिख रहा है कि हाँ भाई कौन जनरल कौन स्पेसिफिक ऑन द बेसिस ऑफ दिस वुड बी फर्स्ट वन ये फर्स्ट होगा ये आपके स्लॉट ट्वेंटी ट्वेंटी वन में आया ठीक है चलिए ठीक है आगे बढ़ते देखते हैं क्या हो सकता है ट्वेंटी ट्वेंटी में स्लॉट थ्री में भी ये हम लोग कहाँ से बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं आर्टिकल से आर्टिकल भी दिखाना चाहते हैं हम कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ द एग्जैप्टेशन ठीक है यहाँ पे विथ एग्जेप्टेशन यहाँ पे इज एग्जेप्टन तो आर्टिकल डी यहाँ पे जो लिखा हुआ है मतलब कि वी हैव हाँ ऑलरेडी इंट्रोड्यूस एग्जैप्टेशन समवेयर एल्स ठीक है तो ये देखना भी पड़ेगा ऐसा नहीं है कि सब जगह का आर्टिकल दी लिखा हुआ है तो फिर वो आर्टिकल वाला हम लोग बिल्कुल भी ऑप्ट नहीं करेंगे सब जगह जब दिया हुआ है तो लेकिन कहीं पे आपको कुछ और नहीं दिया हुआ है फर्स्ट तो आपका नहीं हो सकता है ठीक है तो इस तरीके से भी हम लोग करेंगे. भी दिखाया और जनरल दिखा दिया कैसे इसको पहले भी ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म इसको तो हमने एलिमिनेट कर लिया था अब देखा कि इज एक्टेशन विद एग्जेप्टन एंडेशन भी हम लोगों ने क्रॉस कर लिया देखा पढ़ने पढ़ भी नहीं रहा हूं मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ क्लूज मेरे को मिल रहे हैं वहां पे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन uh, uh, होते, होते हैं विच इज नॉट इजी टू यू नो रीड विद टाइम आइडिया क्लूज एंड ऑनिस ऑफ क्लूज इजी मूव ऑन सो दीज आर यू नो नो इम्पॉर्टेंट क्लूज सो दट यू कैन जस्ट इजी सॉल्व द पेराजल क्वेश्चन सो इज एक्सैप्टेशन एंड विद एक्टेशन सो यू कैन जस्ट इजी दैट वन वाई आई जस्ट टॉक अबाउट देशन वुड बी द फर्स्ट वन

बहुत सारे जगह पर हम लोग आइडियाज एंड एग्जाम्पल्स को कहीं और सेट कर देते हैं इस जगह पर नहीं कर पाते हैं जहां पे उसको होना चाहिए था तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है और इससे क्वेश्चंस भी आ, आते हैं देख लीजिए टिप नंबर फोर आइडिया एंड अ पैराग्राफ कंटेनिंग एन आइडिया हो सकते हैं इसका साइन क्या है भाई ये देखो सेंटेंस स्टार्ट होगा आई ई जी एग्जाम्पल ग्रैशिया फॉर एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस ठीक है इससे होगा ऐसा नहीं कि हम यहां पे लिख दें इट इज एन एग्जाम्पल तो अगर मैं बोल रहा हूँ तो हो लेकिन अगर स्टार्ट ही कर रहा है, an example of, an example of, है? तो इसको आप ध्यान से इट इज एन एग्जाम्पल इट का मतलब कोई प्रोनाउन है किसी का ये एग्जाम्पल दे रहा हो तो दिस शुड नॉट बी द फर्स्ट राइट लेकिन कहीं स्टार्ट कर रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स वाई जी मतलब क्या है कि यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं एन एग्जांपल से वी कैन जस्ट स्टार्ट बट इफ आई एम जस्ट सेइंग कि फॉर एग्जांपल दिया है फॉर इंस्टेंस दिया है आई ई e, जी ई e, जी इससे स्टार्ट नहीं कर सकते हैं दिस इज ऑल अबाउट आई जस्ट गिवन द फोर टिप्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी सारे टिप्स को लेकर के आ रहा हूं टिल देन हैव अ नाइस डे बाय बाय स्टे ट्यू